दोस्तों एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये है सिपा तिरा और आगे सिपा चौराहा है। यहाँ से सीधा रोड जाता है सागन और ये रोड सीधा जो आता है इस तरफ से मेन रोड है, जो कि ये रोड पे जैसी चौराहे की तरफ जाता है, जो कि आगे जो है ब्रिज है, गोमती नदी वाली ब्रिज है, उसको पार करने के बाद रोड पे जैसी चौराहा पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ, अगर इस तरफ देखा जाए तो एक रोड इस तरफ जाता है तो ये सीधा चला जाता है शाही किले की तरफ, 400 चौराहे की तरफ, जौनपुर की जो मेन मार्केट है उस तरफ चला जाता है। तो ये है आगे दोस्तों शाह फिरोज का एक मकबरा है, तो मकबरे के पास चलते हैं, मकबरा दिखाते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा ही आगे बढ़ने पर यहाँ पर शाह फिरोज का ऐतिहासिक मकबरा यहाँ बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये है शाह फिरोज का ऐतिहासिक मकबरा। यहाँ पर एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मकबरा शाह फिरोज जौनपुर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो थोड़ा साइड साइड से बगल से हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत में मकबरा बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ से तीन डिजाइन दी गई है और इस तरफ से भी तीन डिजाइन दी गई है। और यहाँ पर हम पूछने की कोशिश किए तो पता ये चला कि इस मकबरे के अंदर मजार है, जिनकी मजार है यहाँ पर शाह फिरोज की मजार अंदर बनाई गई है। तो ये देख सकते हैं ये वो मेन रोड है और ये है मकबरा। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मकबरे का व्यू कैसा आ रहा है। और थोड़ा आगे चलते हैं और सामने ताला लगा हुआ है, नहीं तो अंदर भी हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं अंदर दिखाने की। तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं। तो ये है गेट, वो अंदर जो मजार है वो फिरोज शाह की मजार है, यहाँ देख सकते हैं ये उनकी मजार है। और इस तरफ देख सकते हैं ताकियों के बने हुए हैं और डिजाइन भी देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं और इस तरफ से दिखाते हैं हम पीछे से। तो ये देख सकते हैं इस तरफ से ये है पीछे की, तो ये पीछे साइड का हिस्सा है, देख सकते हैं इसकी डिजाइन। और यहाँ पर एक सीढ़ियाँ दी गई है ऊपर जाने के लिए, तो देख सकते हैं काफी छोटे आकार में सीढ़ियाँ दी गई है। और इस तरफ देख सकते हैं और यहाँ पर भी एक मजार है। तो इस तरफ से देख सकते हैं कैसा व्यू आ रहा है।
तो ये है दोस्तों जौनपुर के शाह फिरोज का मकबरा, जो कि चारों तरफ से इस मकबरे के अंदर जाने का रास्ता दिया गया है। इस तरफ से देखेंगे तो सामने भी रास्ता है, उस तरफ से देखेंगे तो फिर उस सामने भी रास्ता है, लेकिन तीन तरफ जालियां लगी हुई है और एक तरफ से अंदर जाने का रास्ता है। तो ये तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आज नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।